ये ट्रस्ट श्रीलंका सरकार को दे दिया गया है अपनी सरकार द्वारा, तो वही देख रेख करती है और मेंटेन करती है। और तो ये मेरी लाइफ का फर्स्ट कैंपिंग एक्सपीरियंस था जो कि बहुत ही ज़्यादा बेस्ट था और बहुत ही अमेजिंग था। गुड इवनिंग, हेलो, नमस्ते, दिस इज योर विकास कलाल, वेलकम बैक अगेन योर यूट्यूब चैनल विकास की एंट्री एंड वेलकम बैक अनदर व्लॉग। तो फिलहाल हूँ मैं सांची में, जैसा कि हमने अगले वीडियो को यहीं पे एंड किया था और इस वीडियो को यहीं से मैं शुरू कर रहा हूँ। ये हमारे व्लॉग का तीसरा पार्ट है और पहला और दूसरा पार्ट मैं पहले डाल चुका हूँ, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो व्लॉग में बने रहिएगा। अभी हैं हम सांची में और अभी सांची के स्तूप देखने वाले हैं। तो फिलहाल हमने टिकट वगैरह ले ली है, पर पर्सन 40 रुपये की टिकट है यहाँ पे सांची में, और ये 6:30 बजे तक करीब करीब खुला रहता है। हमने गाड़ी भगाई, बहुत भगाई, इतनी भगाई, लेकिन ट्रैफिक बहुत मिला। लास्ट में 30 किलोमीटर हमारे लिए मतलब 1 से 1.5 घंटा बिगड़ गया पूरा। तो यहाँ पे अभी टिकट चेक की जा रही है सांची का मेन गेट। उज्जैन में भी बहुत ज़्यादा भीड़ थी और यहाँ पर भी भीड़ तो बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि दीपावली का सीज़न है, सबकी छुट्टियाँ रहती है, तो लोग अभी घूमने के लिए निकलते, उसी वजह से भीड़ बहुत ज़्यादा है। जैसा कि आप देख रहे होंगे चारों तरफ भीड़ और शांत वातावरण और ये छोटे छोटे स्तूप, और सनसेट बड़ा ही प्यारा और शानदार लग रहा है, और यहाँ पे बिल्कुल पीसफुल और शांत वातावरण। और यहाँ पे ये जो तोरण द्वार है, इस पर चित्रों द्वारा पूरी यहाँ की हिस्ट्री आँखी गई है, और ये है यहाँ का मुख्य स्तूप जो कि आज भी सही सलामत है और मुख्य आकर्षण का केंद्र है सांची का। तो इस पहाड़ी पे ऐसे सैकड़ों स्तूप है, बहुत से स्तूप तो तोड़ दिए गए हैं मुगलों द्वारा, हो सकता है उन्हें ऐसा लगा कि यहाँ पे इनमें सोना वगैरह होगा। ये जो तोरण द्वार है सम्राट अशोक की, इसमें पूरी कहानी गढ़ी गई है, जैसे आप देख सकते हैं सिंह का निशान वगैरह और उसके जन्म से लेकर मरण तक की कहानी इस पर गढ़ी गई है। ये जो आप स्तंभ देख रहे हो, ये कभी बहुत बड़ा हुआ करता था, जो कि सम्राट अशोक द्वारा बनवाया गया था। यहाँ के एक जमींदार ने इसको तुड़वा दिया और जिसके दो भाग वहाँ पे आप देख सकते हैं पड़े हुए, कभी ये पूरा एक ही पत्थर का हुआ करता था। ये सामने जो आप मंदिर देख रहे हो, ये हिंदू धर्म का पहला मंदिर है जो स्क्वायर में बना हुआ है। लगभग इसे बने 2000 साल के आसपास हो चुके हैं। यहाँ पे ये बहुत से स्तूप आप स्क्वायर में देख सकते हैं, तो इन्हें क्या है कि मुगलों ने तुड़वा दिया है ताकि उन्हें ऐसा लगा कि यहाँ पे अंदर सोना वगैरह होगा, लेकिन अंदर कुछ नहीं मिला। स्तंभ देख रहे हो आप, ये महाराष्ट्र की गुफाओं से मिलते जुलते हैं। ये 11वीं सदी में बना हुआ एक मंदिर था जिसका आज सिर्फ ढांचा ही खड़ा है। तो चलिए थोड़ा स्तूप पे भी आपको घुमा के ले आता हूँ और मैं भी घूम के आ जाता हूँ। 3 बार ये मेरा यहाँ पे तीसरी बार आना हो चुका है। तो अभी हम चढ़ रहे हैं स्तूप पे और ये है सीढ़ियाँ, और ये सारे इंटरलॉकिंग में लगे हुए पिलर्स जिन्हें हम अपनी लैंग्वेज में, आज की लैंग्वेज में गैलरीज कहते हैं। बहुत ही बढ़िया तरीके से इंटरलॉकिंग में ये सब कुछ जुड़ा हुआ है। यहाँ ऊपर चढ़ के स्तूप की परिक्रमा आसानी से की जा सकती है और बड़ा ही प्यारा व्यू चारों तरफ का। तो अभी अपन नीचे उतर रहे हैं और अंधेरा भी होने को आ गया है, और भी बहुत कुछ है बताने के लिए। ये है कुछ मुगलों के निशान जहाँ पे गर्दन वगैरह सब कुछ तोड़ दिया गया ताकि पहचान खत्म हो जाए इन सबकी। पे ये सोचने वाली बात है कि इसको कैसे इंटरलॉक अंदर किया गया होगा उस टाइम में, मतलब कारीगरी देखिए। इन स्तूपों को बनाया गया था तो पत्थर इन में से निकाला गया था और बाकी का हिस्सा जो बचा उसे कुंड बना दिया गया, और ये पूरा जंगल में है, ऐसी पहाड़ी पे बसा हुआ है जहाँ नीचे से कोई इसे देख नहीं सकता था। जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया, ये है मुख्य स्तूप, और यहाँ पे पास में गार्डन वगैरह है जहाँ आप आराम से बैठ सकते हैं, और बड़ी प्यारी और शांत पीसफुल जगह। और जो सामने वो दिख रहा है वो है मंदिर जो कि ये पूरा श्रीलंका ट्रस्ट को दे दिया गया है। यहाँ पे ये जो पूरा है ये ट्रस्ट श्रीलंका सरकार को दे दिया गया है अपनी सरकार द्वारा,
तो वही देख रेख करती है और मेंटेन करती है। और साल में एक बार यहाँ पे मेला लगता है जहाँ पे वर्ल्ड के सारे बौद्ध धर्म के लोग यहाँ पे विजिट करने आते हैं। वो डेट कौन सी है वो मैं आपको मेंशन कर दूंगा नीचे। और उसी मंदिर में आज भी भगवान बुद्ध की अस्थियाँ जो है संरक्षित है, जो कि साल में एक बार निकालते हैं और बौद्ध धर्म के सारे लोग यहाँ पे आते हैं दर्शन करने के लिए। तो चलिए अब चलते हैं, अपन आगे जा रहे हैं। अब कहाँ जाएंगे ये नहीं पता, लेकिन खाना वाना खाएंगे और कहाँ पे होल्ड करेंगे ये भी नहीं पता, आगे जाके तय करते हैं। तो अब हो चुका है जाने का टाइम यहाँ से, अभी जाएंगे नीचे। ठहरने की कहाँ व्यवस्था रहेगी ये अभी नहीं पता है, जहाँ स्टॉप मिला खाना खाने के बाद ठहर जाएंगे। और अभी तक हमने सुबह से 506 किलोमीटर कवरेज कर लिया है और हो सकता है 100 किलोमीटर तक और गाड़ी को चलाएंगे, फिर खाना वाना खाएंगे और वहीं पे स्टॉप ले लेंगे। तो अलविदा साची, हर हर महादेव। अपन अब निकल चुके हैं सांची से सीधा सागर की ओर और नाइट होल्ड अपन करेंगे सागर में। गुड मॉर्निंग, टुडे एक नए डे में आप सभी का स्वागत है। रात को हम वहां से निकले सांची से और खाना वगैरह खाया, रास्ते में अंधेरा बहुत हो चुका था और फिर हमने होटल वगैरह तो नहीं लिया और हमारे पास कैंपिंग टेंट था तो हमने कैंप लगाया पेट्रोल पंप पे और कैंप लगा के हम बड़े आराम से सो गए। जैसा कि देख सकती हो सुनील और हम दोनों एक कैंप में सोए और यश, प्रीतेश और चिंटू वो अपने अलग कैंप में सोए। तो हमने कैंप लगा लिया और कुछ अंदर का नज़ारा ऐसा है। तो अभी सुबह हो चुकी है, सुबह की लगभग अभी 6 बज चुकी है और अभी यहाँ से 200 किलोमीटर दूर है खजुराहो, तो हम निकलेंगे खजुराहो ये बेस कैंप वगैरह सब समेट के। तो हमारे कैंप का अंदर का नज़ारा कुछ ऐसा है, आराम से दो लोग इसमें सो सकते हैं और यहाँ पे हमने ये छोटे छोटे तकिए लगा दिए और मैं और सुनील दोनों अंदर ही सोए थे और सुनील भी अभी उठ चुका है। और बाहर का नज़ारा कुछ ऐसा है, ये तो है नेट जाली, चाहे तो आप मच्छर जाली लगा सकते हैं और पैक कर सकते हैं ताकि यहाँ बिल्कुल इतनी पैकिंग है कि यहाँ पे कोई भी जानवर वगैरह नहीं आ सकता। और एक ये चैन खोलो तो बाहर का नज़ारा कुछ ऐसा है। तो बाहर पेट्रोल पंप और यहाँ पे हमने अपनी कार लगाई और ये है बाहर का नज़ारा। यश वगैरह सब रेडी होकर तैयार हो चुके हैं, अब मेरे और सुनील के निकलने की बारी। तो एक बार पूरा वॉक अराउंड दे देता हूँ, बाहर से टेंट कैसा दिखता है तो देख लो। ठंड है, ठंड है, हाथ कांप रहे हैं, ब्रश वगैरह कर लेते हैं, फ्रेश होके उसके बाद यहाँ से निकलेंगे अपनी जर्नी पे। तो अभी कुछ देर में अपने टेंट वगैरह सब भी समेट लेंगे। कुछ भी कहो यार, यहाँ की लोकेशन बड़ी प्यारी है। इधर ब्रश करते हुए हमारे भाई लोग, उधर वो भाई लोग करते हुए ब्रश वगैरह सब, लोकेशन बड़ी प्यारी है यार। तो ये मेरी लाइफ का फर्स्ट कैंपिंग एक्सपीरियंस था जो कि बहुत ही ज्यादा बेस्ट था और बहुत ही अमेजिंग था। तो एक अच्छी चीज़ है कैंपिंग में कि आपको जहाँ भी नींद आती हो वहाँ जाके आप कैंप लगाओ और आराम से सो जाओ। ऐसा नहीं है कि भाई 10 किलोमीटर बाद होटल आ रहा था आपको वेट करना या 20 किलोमीटर बाद आ रहा है, जहाँ भी झपकी लगी आपको लगा कि हाँ ये सेफ जगह है, पेट्रोल पंप वाले से हमने बात की कि भैया हम टेंट वेंट लगाएंगे यहाँ पे और सोएंगे, उन्होंने कहा कोई दिक्कत नहीं सो जाओ। बस तकिए यही गाड़ी वाले तकिए थे तो वही हमने यूज़ कर लिए और यहाँ पे ये बिछा दिया कंबल और ओढ़ने का हमारे पास चादर था तो ओढ़ लिया। तो इससे बेस्ट आपको क्या चाहिए ये बताइए। कुछ वगैरह अपना कैंप समेट चुके हैं, अब हमारे कैंप समेटने की बारी है और यहाँ से कुछ व्यू ऐसा है, बड़ा ही शानदार व्यू और सामने हो रहा है ब्यूटीफुल सनराइज, तो प्यारा सा सनराइज, बड़ा ही प्यारा सनराइज है और फोक फोक चारों तरफ। तो अभी कैंप वगैरह सब समेट लेते हैं और फिर यहाँ से निकलते हैं खजुराहो की ओर
तो अब चले। और सुविधा सारी थी, चाय वगैरह बनाने की, मैगी वगैरह बनाने की, क्योंकि हम चूल्हा भी साथ में ले के आए, कैंपिंग स्टॉक वगैरह सब। तो वो नेक्स्ट टाइम एक्सपीरियंस लेंगे और आपके साथ शेयर करेंगे। कैंप कैसे समेटते हैं तो चिंटू एक बार बता दीजिए। तो ये है छोटा सा हमारा बेस कैंप, जो कि हम एक बाइक पे लेके निकल सकते हैं बड़ी आसानी से। और अब हम जाएंगे यहाँ से सीधा खजुराहो। तो चलिए चलते हैं, सीधा मिलते हैं कार के अंदर। तो चलिए सभी फ्रेश हो चुके हैं और खजुराहो जाके नहाना धोना करेंगे, अभी यहाँ से निकलते हैं। चले बैठो यार। तो प्रीतेश चले? बिल्कुल भैया चलते हैं। ओके चलते हैं। चलते हैं चलते हर हर महादेव। जय महादेव। बंडा नगर में पधारने पर आपका हार्दिक अभिनंदन। तो आज जो सुबह सुबह रोड मिला है वो कुछ खास नहीं है, मतलब गड्ढे ज़्यादा है, रोड तो चौड़ा है, मस्त है और नज़ारे भी शानदार है, लेकिन रोड एक्सपीरियंस बढ़िया नहीं रहा आज का मॉर्निंग का। और एक बात कहना चाहूँगा कि अपन ने जो पेट्रोल पंप पे कैंप लगाया उसका एक फ़ायदा हो जाता है कि यहाँ पे लेत बात वगैरह सारी सुविधाएँ मिल जाती है, जो कि पेट्रोल पंप की तरफ से फ्री रहती है, हर पेट्रोल पंप को देनी अनिवार्य भी होती है। और वो सुविधाएं नहीं देते तो आप वहाँ पे कंप्लेन डायरी आती है, आप चाहे तो कंप्लेन भी कर सकते हैं। लेकिन हमें जो पेट्रोल पंप वगैरह मिला बहुत ही शानदार था। और कैंप लगाने का यही फ़ायदा है कि मॉर्निंग में आपको किसी चीज़ की तकलीफ ना पड़े। तो अभी खजुराहो जाएंगे, खजुराहो नहाना धोना करेंगे और नहा धो के फिर एक नए ब्लॉग की शुरुआत करेंगे। तो बने रहिएगा, अभी ये ब्लॉग है सांची और कैंपिंग प्लस छोटी सी रोड ट्रिप का, उसके बाद इस ब्लॉग को एंड कर दिया जाएगा। तो अभी मॉर्निंग का टाइम है तो टी वगैरह भी पीनी है, तो टी ब्रेक एक लेते हैं। तो अभी ये कोई विलेज आया है, पता नहीं कौन सा है, क्योंकि यहाँ के विलेज के बारे में हम थोड़ी जान सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ आसपास में बोर्ड वगैरह पढ़ते हैं और फिर पता करते हैं कि ये विलेज कौन सा है। तो बड़ा ही प्यारा सनराइज देख सकते हैं आप। तो अभी इसी विलेज के अंदर देखते हैं कोई शानदार सी होटल हो तो चाय नाश्ता हो जाए। नाश्ता नहीं करेंगे लेकिन चाय तो पीनी बनती ही बनती है। रोड बड़ा ही प्यारा आ चुका है, अब गाड़ी चलाने में मज़ा आ रहा है और टी ब्रेक हमारा बाकी है। और इस ब्लॉग को अभी कंटिन्यू ही रखूँगा, जहाँ भी मुझे लगा कि हाँ एंड करना चाहिए वहाँ पे एंड कर दूंगा, अब कहाँ एंड करूँगा ये पता नहीं। लेकिन आप चिंता मत करिए, ये सीरीज जो है वो अपनी ऐसे ही कंटिन्यू चलेगी, मतलब आपको पूरी सीरीज देखने को मिलेगी एक से लगा के 10 तक की, 10 भी हो सकती है या 12 की भी हो सकती है। तो कल शाम को अपन ने 600 किलोमीटर कंप्लीट करके फिर सो गए थे, मतलब कल टोटल 600 किलोमीटर कवर किया था, पता नहीं आज कितना कवर करेंगे। और ये गौ माता, जय गौ माता, बहुत सारी गाय, कहीं एक फटका मत मार देना, इतनी सारी गाय एक साथ, दिन सुधर गया हमारा। तो जंगल का जो नज़ारा है ना, बड़ा ही प्यारा और खूबसूरत नज़ारा है, क्या नज़ारा, ब्यूटीफुल। प्रीतेश जी नाना तो ठंडा पानी आ चुका है और शानदार। एक और तालाब इधर साइड। तो अभी एक स्टॉप लिया गया है, गाड़ी रोकी गई है हीरापुर में और यहाँ पे हम लेंगे एक टी ब्रेक, बहुत लंबा रूट खींच लिया। तो टी हमारी आ चुकी है, यस। नाश्ते में यहाँ पे लिए जा रहे हैं बिस्किट्स। 2020 मैच खेला जाएगा, 2020 आजकल 20 का ही क्रेज चल रहा है। तो चाय नाश्ता हो चुका है हमारा और अभी यहाँ से हम निकलेंगे खजुराहो। लेकिन उससे पहले इस प्यारे से ब्लॉग को अपन यहीं पे एंड करते हैं
और यहाँ से एक नए ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। मैं नहीं चाहता कि वीडियो जरूरत से ज़्यादा लंबी हो जाए, तो इस प्यारे से ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, दोस्तों में शेयर करना, और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं अपन अपने अगले एपिसोड में, अपने अगले पार्ट में, अच्छी जर्नी के साथ। बाय बाय, जय हिंद, जय श्री राम, बूम।